ऑस्ट्रेलिया समुद्र तट पर पाए गए रहस्यमय टुकड़े को लेकर कई दिनों से मीडिया में चर्चा हो रही है। कई लोगों ने कहा कि ये चंद्रयान का टुकड़ा हो सकता है। स्थानीय लोगों के लिए कौतूहल का ये विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसे चंद्रयान 3 से जोड़कर देखा। संभावना जताई गई कि चंद्रयान 3 का मलबा हो सकता है, हालांकि इसरो ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन ये है क्या, तो चलिए अब आपको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे पाए गए रहस्यमय टुकड़े का क्या सच है? ऑस्ट्रेलियाई समुद्र के किनारे पाए गए रहस्यमय टुकड़े का सच 2 हफ्ते बाद सामने आ गया। ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने इसका संबंध भारत से जोड़ा। ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और बताया, हमने निष्कर्ष निकाला है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ज्यूरियन खाड़ी के पास समुद्र तट पर स्थित वस्तु ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV के तीसरे चरण का मलबा है। PSLV इसरो का एक मध्यम भार का लॉन्च व्हीकल है। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी ने फिलहाल मलबे को सुरक्षित रखा है। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी ने ट्वीट में बताया, समुद्र किनारे तो मलबा मिला है, उसे सुरक्षित रखा गया है। इसे इसरो के साथ मिलकर इसके उचित निपटारे के बारे में काम किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी ने जारी की मलबे की तस्वीर और ऑस्ट्रेलियाई एजेंसी ने समुद्र किनारे रहस्यमय टुकड़े की तस्वीर साझा की है, जिसमें वो एक कांसे के एक बड़ा सा धातु नजर आ रहा है। इसकी बनावट बिल्कुल सिलेंडर नुमा है। एक स्थानीय ने बताया कि इसकी लंबाई करीब 10 फीट और चौड़ाई 8 फीट है। तो इसे अंतरिक्ष एजेंसी ने यानी ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने इस मलबे को चंद्रयान 3 से क्यों जोड़ा था? मलबे को जोड़ा गया था ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी ने जो तस्वीर शेयर की थी उसको चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से जोड़ा गया। बताया गया चंद्रयान 3 को जिस PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया था ये उसी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि इसे इसरो ने तुरंत ही खारिज कर दिया। ऑब्जेक्ट पर कई समुद्री जीव लटके हुए थे। ऑब्जेक्ट को हाल के दिनों का नहीं बल्कि कई महीनों पुराना बताया गया, जो कभी समुद्र में गिरा होगा, जो बाद में बहकर तट पर पहुंच गया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा था कि ये भारत का हो भी सकता है और नहीं भी। जब तक वस्तु का परीक्षण नहीं किया जाएगा ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये भारत का है या नहीं। चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को चंद्रमा की सतह के लिए उड़ान भरी थी। आपको बता दें 14 जुलाई से अब तक चंद्रमा की सतह के लिए उड़ान भर चुका चंद्रयान 3, जिसको लेकर लोगों में सबसे ज्यादा उत्साह है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये मिशन कहां तक पहुंचा है। इसरो ने कहा है वो आगामी 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। इसरो ने कहा चंद्रयान को कक्षा में ऊपर उठाने की अगली प्रक्रिया ट्रांसलूनर इंजेक्शन यानी TLI 1 अगस्त 2023 को मध्य रात्रि 12 बजे से 1 बजे के बीच हो जाएगी। इसरो के अधिकारी ने बताया TLI की प्रक्रिया के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया और उस पथ पर अग्रसर हो गया जो उसे चंद्रमा के करीब ले जाएगा। अधिकारी के मुताबिक दूसरे शब्दों में कहें तो 1 अगस्त को TLI प्रक्रिया पूरी होने के बाद पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा अब बाहर निकल गया है, अब उसके सफर की शुरुआत हो गई है। TLI प्रक्रिया चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी यानी चंद्र स्थानांतरण प्रक्षेपक यानी चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होने के सफर पर ले जाएगी। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की 5वीं कवायद सफलतापूर्वक पूरी की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने के 5वें चरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली। इस तरह की प्रत्येक प्रक्रिया का मतलब है यान पृथ्वी की कक्षा से आगे निकल रहा है और चंद्रमा की कक्षा के करीब पहुंच रहा है। इसरो ने कहा यह काम बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी ISTRAC से किया गया। इसरो ने कहा यान के 12,07,609 किलोमीटर गुणा 236 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचने की उम्मीद है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।